ऐसा समय आ रहा है जब जानकारी जमा करने का कोई मूल्य नहीं होगा। अच्छी याददाश्त को बुद्धि की तरह पेश करना व्यर्थ हो जाएगा। आपके बोध की तीव्रता और आपकी बुद्धि की तेजी, भविष्य की दुनिया में यही चीजें ज्यादा महत्वपूर्ण होंगी। हम ऐसे समय में हैं कि शिक्षा के मामले में हम एक मोड़ पर हैं। आज शिक्षा के बारे में ना सिर्फ हमारी बुनियादी सोच बदलना जरूरी है, बल्कि शिक्षा में पूर्ण परिवर्तन जरूरी है। एक ऐसा समय आ रहा है जब जानकारी इकट्ठा करने का कोई मूल्य नहीं होगा। एक ऐसा समय आ रहा है जब एकत्रित जानकारी को ज्ञान की तरह पेश करना अतीत की बात होगी। अच्छी याददाश्त को बुद्धि के रूप में पेश नहीं किया जाएगा, जो कि आज की शिक्षा प्रणालियों की बुनियाद है। जिसकी याददाश्त अच्छी होती है उसे सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कहा जाता है। खैर, आज आप जानते हैं कि आपके सेलफोन की याददाश्त आपसे बेहतर है। हमारे कुछ फोन 600 GB के हैं। यकीन मानिए, आप में वैसी याददाश्त नहीं है। आपके बोध की तीव्रता और आपकी बुद्धि की तेजी, ये चीजें आपके दिमाग में भरी मेमोरी से ज्यादा जरूरी होंगी। ये एक अच्छा समय है, बहुत अच्छा समय इंसान के इस बोझ को उतारने के लिए, क्योंकि दिस कार्गो ऑफ सो कॉल्ड नॉलेज इज किलिंग ह्यूमन बीइंग्स। यह नाम के ज्ञान का बोझ इंसान को मार रहा है। एक बच्चे के दिमाग में जानकारी ठूंस कर हम कई तरह से उसके जीनियस को मार रहे हैं, जो हर इंसान में होता है। इंसानी बुद्धि की प्रकृति अलग है। हमें याददाश्त को कभी बुद्धि नहीं मान बैठना चाहिए। हर इंसान के पास जीनियस का एक अंश होता है। सवाल बस यही है, क्या हम उस विशेष जीनियस के बाहर आने के लिए उसे सही तरह का माहौल दे पाएंगे। यही चुनौती है, यही समय है जब आप सभी शिक्षा से जुड़े लोग ऐसे मुकाम पर हैं जहां आप जितनी जल्दी अपनी शिक्षा प्रणाली को बदलेंगे, हमारे बच्चे भविष्य की दुनिया के लिए उतने ही बेहतर तैयार हो पाएंगे। देखिए, हमें यह समझना चाहिए, हालांकि भारत एक देश है, पर भारत के अंदर कम से कम 4 से 5 देश हैं। सभी की जरूरतें एक जैसी नहीं हैं। देश में एक सबसे अमीर वर्ग है, लोगों का एक वर्ग उच्च मध्यम वर्ग है, जिसकी आकांक्षाएं बहुत अलग हैं। एक मध्यम वर्ग है जो हमेशा यही सोचते हैं कि हमारे बच्चों को नौकरी वगैरह कैसे मिलेगी। साथ ही ग्रामीण और दूसरे आयाम भी हैं जहां बात है किसी तरह उस सामाजिक और आर्थिक गड्ढे से बाहर आने की जिसमें वे फंसे हुए हैं। हम इन सभी वर्गों को ऐसे नहीं देख सकते कि वह एक हैं। ऐसा करना गलत होगा। समान शिक्षा के नाम पर हम ऐसा कर रहे हैं। मैं इसके पीछे की सोच समझता हूं, पर यह प्रैक्टिकल नहीं है। इसी वजह से भारत के छात्र विदेश जा रहे हैं और विदेशी विश्वविद्यालय उन्हें $24 अरब की शिक्षा देकर पैसे कमा रहे हैं। ये बहुत जरूरी है कि हम समाज के हर वर्ग को मदद दे पाए। अगर हम ये मदद नहीं देंगे तो हम अलग अलग तरह के मनुष्य तैयार नहीं कर पाएंगे जो खुशहाल देश के लिए जरूरी हैं। हमें लीडर्स चाहिए, हमें वैज्ञानिक चाहिए, हमें शिक्षक चाहिए, हमें इंजीनियर चाहिए, हमें किसान चाहिए, हमें शिल्पकार चाहिए। हमें देश को बनाने के लिए कई तरह के लोगों की जरूरत है। देखिए, 60 और 70 के दशक में ऐसा समय था जब हम इस देश को पढ़ाने के बारे में सोचते थे, क्योंकि जब अंग्रेज चले गए तब हमारी आबादी के सिर्फ 7% लोग पढ़े लिखे थे, बाकी अनपढ़ थे। तो हमारा लक्ष्य बस यही था, लोग कागज पर अपना नाम लिख पाएंगे, यही हमारा फोकस था। हमें समझना चाहिए कि हमारे देश की शिक्षा ऐसे बनाई गई थी क्लर्क बनाने के लिए। उन्होंने पाया कि भारतीय दुनिया भर में अच्छे क्लर्क बनते हैं,
क्योंकि वे पूरी दुनिया को जीतने की योजना बना रहे थे। ये शिक्षा अंग्रेजी महारानी के अफसरों ने तैयार की। हमने कुछ बदलाव किए हैं, पर हमें और बड़े बदलाव करने होंगे। मैं कह रहा हूँ, ये शायद आपको कड़वा लगे, पर मैं कह रहा हूँ, भाषा के अलावा अंग्रेजों की शिक्षा का हर पहलू बदलना जरूरी है। अंग्रेजी भाषा दुनिया का पासपोर्ट है, यह भाषा रखनी चाहिए। बाकी सब कुछ हटाना जरूरी है, क्योंकि वो एक खास मकसद से बनाई गई थी। तब हुक्म मानना बुद्धि से बड़ा था। यह अपने बच्चों की परवरिश का तरीका नहीं है, ये गुलामों की परवरिश का तरीका है। पर अब इसे पलटना शुरू करने का समय आ गया है। हम इसे अचानक नहीं बदल सकते, वरना चीजें बिगड़ जाएंगी। We have to start turning it around, start working towards that adarsh or the ideal. हमें इसे बदलना शुरू करना होगा, उस आदर्श की ओर जिसके बारे में हम सोच रहे हैं। खेल, कला, संगीत, नाटक, जीवन का हर आयाम इस देश का खजाना है, है ना? तो लाखों लोगों को एक स्तर तक शिक्षित करना एक बात है, ऐसी काबिलियत वाले बच्चों पर विशेष ध्यान देना एक अलग बात है। अगर हम ऐसा ना करें तो हमारे पास महान वैज्ञानिक नहीं होंगे, महान मैथमेटिशियंस नहीं होंगे, हमारे देश में कुछ भी सार्थक नहीं होगा। इस संस्कृति को हमेशा ऐसा पोषण मिला है। हम इस देश में कई सबसे महान मैथमेटिशियंस, महान संगीतकार, महान नर्तक केवल इसलिए पैदा कर पाए क्योंकि जो लोग संगीत सीखने के लिए उन घरानों में जाते थे, वे केवल संगीत और संगीत ही सीखते थे। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम किसी भी क्षेत्र में महानता पैदा नहीं कर पाएंगे। सब हर चीज के छोटे टुकड़े जान पाएंगे, पर वे किसी चीज में अच्छे नहीं होंगे। आपको ये समझना चाहिए, ये एक ऐसा देश है जहां कोई हमें हुक्म नहीं दे पाया। यहां तक कि जब अवतार आए, वे भी हमें पर हुक्म नहीं दे पाए। हमने उन्हें सिर्फ सवाल पूछे। आदि योगी आए, उन्होंने अपनी प्रिय पत्नी से बात करने की कोशिश की, उन्होंने उनसे लाखों सवाल पूछ लिए। कृष्ण ने अपने सबसे करीबी दोस्त अर्जुन से बात करने की कोशिश की, वो भी युद्ध के मैदान में। उस आदमी ने सैकड़ों सवाल पूछे, वो चुपचाप सुन ही नहीं पाया क्योंकि यह भारतीय है। और कहीं अगर किसी ने कहा कि मैं भगवान का एजेंट या भगवान का बेटा या वैसा कुछ हूं, तो उन्होंने कहा, यही भगवान की इच्छा है, चुप करके सुनो। और सभी ने सुना। इस देश में ऐसा नहीं हुआ क्योंकि वैज्ञानिकता हमारे स्वभाव में गहरी समाई हुई है। वैसा वैज्ञानिक स्वभाव नहीं है जो हर चीज को खारिज कर दे, जैसा कि आज हो गया है। हमारे पास एक अलग तरह का वैज्ञानिक स्वभाव है। हम हर चीज पर सवाल पूछते हैं, पर आदर के साथ। हम नमन करते हैं और कहते हैं, आप मेरे भगवान हैं, पर मेरे सवाल पूछते हैं मगर आदर के साथ। हेलो, क्या यही हमारा तरीका नहीं रहा है? तो हम धार्मिक लोग नहीं है, हमारा स्वभाव ही वैज्ञानिकों जैसा है। हम हमेशा एक के बाद एक प्रश्न पूछते रहते हैं। आपको स्कूलों में इसे नहीं मारना चाहिए, उन्हें सवाल पूछने चाहिए। स्कूल की किताबों में लिखी चीज परम सत्य नहीं है, पहले से कई ज्यादा सवाल पूछे जाने चाहिए, क्योंकि अगर आप सवाल नहीं पूछेंगे तो इंसानी बुद्धि धीरे धीरे सो जाएगी। आपको ऐसा इंसान बनना चाहिए कि आपको कुछ भी ना कहना पड़े। आप वैसे व्यक्ति बनिए कि हर कोई आपके जैसा बनना चाहे, सभी बच्चे आपके जैसा बनना चाहें। तो यह आपके लिए काफी कसरत है। आपको उनकी तरह नाचना सीखना होगा, उनकी तरह गाना गाना होगा, उनकी तरह बोलना होगा। फिर वे कहेंगे, वाह, मुझे ऐसा बनना है। तो ऐसे बनिए कि वे आपसे प्यार करने लगें। उनसे कुछ मांगिए मत। अगर आपको कोई प्यार करे तो आपको क्या करना चाहिए? आपको थोड़ा चमकना चाहिए। हेलो, हाँ या ना? आपको थोड़ा चमकना चाहिए। कैसे चमके मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि अलग माहौल में आपको अलग तरह से चमकना होगा।
मेरे लिए मेरी ईमानदारी मेरी नैतिकता के कारण नहीं है, मेरी ईमानदारी मेरी मानवता के कारण है। यही एकमात्र मूल्य हम में होना चाहिए कि हम इंसान हैं, बाकी सभी मूल्य हमने खुद बनाए हैं, है ना? जरूरी बात यह है कि हम कभी भी अपनी मानवता से समझौता ना करें, क्योंकि कई बार हमारी नैतिकता, हमारे मूल्य, हमारे नियम हमारी मानवता के खिलाफ होते हैं। नाम के नैतिक लोग एक दूसरे के साथ अमानवीय चीजें कर रहे हैं, है ना? हेलो, धर्म के नाम पर, नैतिकता के नाम पर, नियमों और मूल्यों के नाम पर लोगों ने एक दूसरे के साथ भयानक चीजें की हैं, है ना? तो मानवता का क्या मतलब है? देखिए, इस धरती का हर प्राणी अपनी स्वाभाविक बुद्धि से जीता है। उनमें कोई नैतिकता, कोई मूल्य, कोई फिलॉसफी या धर्म नहीं होता। वे अपने स्वभाव से जीते हैं। वे अपने स्वभाव से हर चीज पर प्रतिक्रिया देते हैं। इसलिए हम बाघ को बाघ, टिड्डे को टिड्डा और हाथी को हाथी कहते हैं। सिर्फ आपको, Only you, we call you a human being. सिर्फ आपको हम कहते हैं ह्यूमन बीइंग, यानी कि आपको बीइंग या होना आना चाहिए। हम उससे कितने दूर हैं? अगर आपको होना आता तो क्या आप अद्भुत होते या बुरे? तो इंसान होने का मतलब है, आप जानवरों को देखिए, ऐसा होता है। आपने जंगली जानवरों को ऐसा करते नहीं देखा होगा, पर कम से कम आपने सड़क पर कुत्तों को हर जगह पेशाब करते देखा है। आपको लगता है कि उसे पेशाब की समस्या है? नहीं, वह पेशाब का साम्राज्य बना रहा है। वो हर दम अपनी सीमाएं तय कर रहा है। तो मानव होने की बुनियादी बात यह है कि हम यहां अपने अंदर सीमा का भाव लाए बिना जी सकते हैं। दूसरे सभी प्राणी ऐसे जीते हैं, क्या मेरा है और क्या मेरा नहीं है, ये मेरा एरिया है, वो तेरा एरिया है। पर इंसान में इससे आगे जाने की क्षमता है। अगर आप उसका इस्तेमाल नहीं करते तो हमें कहना पड़ेगा कि आप एक इंसानी जीव हैं, ना कि ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग यानी आप अपनी सीमाएं मिटा सकते हैं। अगर ये काम हम करते हैं, अगर हम अपने बच्चों में ये जगाते हैं, तो हमें उनकी नैतिकता की फिक्र नहीं करनी पड़ेगी। जब तक वे अद्भुत इंसान हैं, हमें उनकी मानवता को ऐसे उभारना चाहिए That our humanity is the first. हमारी मानवता ही हमारे अस्तित्व का चेहरा हो, बाकी सब इसके बाद हो। मेरी पसंद नापसंद, मेरी नैतिकता, मेरे मूल्य, मेरी आस्था, मेरे देवता, मेरे देवदूत, मेरा स्वर्ग, सब हमारी मानवता के बाद आए। मानवता ही हमारे अस्तित्व का चेहरा होना चाहिए। यह आपको हमारे बच्चों में लाना होगा।